ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। बिल्कुल आपने थंबनेल सही देखा कि यह वीडियो देखने के बाद आप अपने भविष्य के बारे में खुद ही समझ जाएंगे कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपना सेल्फ चीज़ें करके अपने आप के बारे में बहुत सी चीज़ें जान पाएंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि इन बातों को आप समझ लें और अपने जीवन में अगर मेरी बातें आपके काम में आए तो उनको उतारें और उससे आप अपनी लाइफ का ऑब्जर्वेशन करें। सबसे पहली बात शुरू होती है आपका विचार। अगर आप वर्तमान में बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हमें, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हमारे काम से हम खुश नहीं हैं, हम जो चीज़ें कर रहे हैं क्या हम वो सही कर रहे हैं, खुद पर विश्वास नहीं है और एक ऐसा डर अज्ञात हमारे मन में बना हुआ है जो कि चीज़ें सही होने या न होने के तो बात की बात है पर हमें खुद को विश्वास ही नहीं है, बहुत कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये सीधा सा इंडिकेट करता है कि आप राहु के महादशा या अंतरदशा के बीच हैं, क्योंकि राहु जो है इस युग में सबसे ज़्यादा व्यक्ति के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि वो एक ग्रह जरूर है 9 ग्रहों में लेकिन वो केवल एक छाया है और छाया जो होती है वो रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारे थॉट ऑफ प्रोसेस के होता है। तो उस चीज़ को सही करने का भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो को सुना है, देखा है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में भोलेनाथ का एक नाम लिख दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, इसलिए कर दें ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। दूसरी बात है कि अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, वहाँ फीस लागू है दोस्तों, आपको जरूर आपकी समस्या का समाधान एक पॉजिटिव वे में मिलेगा। दूसरी बात होती है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तो भी राहु इंडिकेट करता है। दूसरा होता है कि हम इस तरह के विवादों में फंसे हुए हैं या इस तरह के लाइफ के विवादों में, जरूरी नहीं कि वो कोर्ट केस ही हो, बेफिजूल के विवाद में अगर हम फंसे हैं तो शनि यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। 2 ग्रह मेजर तौर पर लोगों को परेशान इस युग में करते हैं और इन दोनों को जो बाहर निकलने का जो तरीका भी है कि अगर मान लीजिए राहु बहुत दिनों से आपको तकलीफें क्रिएट कर रहा है, शनि भी क्रिएट कर रहा है, बाकी ग्रह भी क्रिएट करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर बेसिक कॉन्सेप्ट में लोगों के साथ सबसे ज़्यादा तकलीफें ये 2 ग्रह ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि शनि जो है न्यायिक ग्रह है, राहु जो है वो एक छाया ग्रह है और वो रिफ्लेक्शन पर ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो एक ब्लैंक जोन है, बिल्कुल ब्लैंक जोन है जहाँ जितना ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना कम है। सबसे पहली बात है कि अगर राहु को आपको शांत करना है या राहु की समस्याओं से आपको बाहर निकलना है तो वो सिर्फ एक ही तरीका है, आपके एटीट्यूड को आपको पॉजिटिव करना होगा। आप जैसे ही पॉजिटिव सोचेंगे राहु की परेशानी से बाहर आ जाएंगे और आप करें हनुमान जी की सेवा, उससे आप शनि की परेशानी से बाहर आ जाएंगे। ओम नमः शिवाय।